थैंक यू माय बेटा। अरे वाह, आप सब लोग एक साथ। मैं भी तो यही सोच रही हूँ, सब लोग एक साथ। क्यों भाई, हम एक साथ क्यों नहीं हो सकते? घर में क्या तुमने कर्फ्यू लगा रखा है? अरे पापा जी, बहुत अच्छी खबर लाया हो। लगता है आज किसी लड़की ने इससे बात कर ली है। पर अफसोस वो जेब खतरी निकली। ध्यान मत दे, माया के हाथ के मूली के पराठे खा के ना दोनों में गैस भरी है। ठीक कह रही है ये। भैया आप अच्छी खबर सुनाइए ना। माया, कल ना मेरा सीबीआई का इंटरव्यू है। हाँ? ये देखो ऑफिशियल लेटर। कांग्रेचुलेशंस। अरे बेटा तू तो दिल्ली पुलिस में है ना? हाँ जी। तो फिर सीबीआई क्यों? पापा जी, डेप्यूटेशन पर जा सकता हूँ। सीबीआई की नौकरी मिली ना तो समझो डबल प्रमोशन और साथ में डबल खतरा भी। अरे तो क्या हुआ मम्मी जी, अब आप देखते जाइएगा, झट से मेरी लाइफ बिना बिल्कुल दबंग सिंघम टाइप होने वाली है, नॉन स्टॉप एक्शन। भैया गुड लक। थैंक्स माया, बट नो थैंक्स, क्योंकि लक के लिए तो मेरा फेवरेट लकी सूट ही काफी है। मम्मी जी, आप कल सुबह 8 बजे मेरा लकी सूट तैयार रखिएगा, मैं नहा धो के रेडी होके आपको नाश्ते के टेबल पे मिलूंगा। नाश्ता अच्छा बनाइएगा मम्मी जी। और हाँ, नाम याद रखिएगा, रजनीश वालिया, सुपर कॉप पार्ट 2। अबे तू रजनीश है, रजनीकांत नहीं। आलू की सब्जी और डीप फ्राइड पूड़िया, क्या नाश्ता बनाया है मम्मी जी ने। अबे सोनू, एक नाश्ता ही तो है जिसकी वजह से मैं इस घर में खुशी खुशी उम्र कैद काट रहा हूँ। मूली का अचार खाएगा? नहीं। खा ले बेटा, मूली का अचार खाएगा ना तो गैस पास होगी, गैस पास होगी तो माइंड फ्रेश होगा, माइंड फ्रेश होगा तो इंटरव्यू अच्छा होगा। नो थैंक्स पापा जी। तो फिर ऐसा कर, मेरे लिए ले आ बेटा। जा। तो? सोनू ये ले तेरा सूट। थैंक यू मम्मी जी। अच्छा लग रहा है, ये ले, उसके ऊपर ना ये कोट पहन ले। अरे नहीं मम्मी जी, आज मेरा लकी सूट ही काफी है। नहीं नहीं, आज बारिश हो सकती है। अरे मम्मी जी, बारिश है? या महीनों से बारिश नहीं हुई, आज कैसे होगी? फिर भी पहन लेना, अच्छा लगेगा। मम्मी जी अच्छा लगेगा। नहीं मम्मी जी, पहन लेना। अरे नहीं मम्मी जी, पहले मैं नाश्ता तो कर लूं। ए पहले अचार ला तो बाबू जी। अबे ये तेरा ना सूट पीछे से जल गया है। क्यों? ऐसे देखने के लिए तो ना गुद्दी पे आंखें चाहिए होंगी, उतार के देख। देख डॉली पीछे है इसके, ये दिख रहा है यहाँ पर। क्या पापा ये? मम्मी जी, मम्मी जी, ये क्या हो गया? हाँ मैंने भी देखा, शायद पहले से ही था। मम्मी जी ठीक है, बताती हूँ। तो क्या है ना, मैं प्रेस कर रही थी ना तो पीछे टीवी से आवाजें आने लगी, मैंने मुड़ के देखा ना तो मोनू के नए प्रोग्राम के बारे में बोल रहे थे। होश। वही मैं सोचूं कि सुमित ने मुझे इस प्रोग्राम के बारे में बोला क्यों नहीं? और इसलिए आपने मेरा लकी सूट जला दिया। जानबूझ के थोड़ी जलाया, 2 मिनट के लिए ना मेरा ध्यान टीवी की तरफ गया और देखो ये, उसने मुझे बताया क्यों नहीं, सारी गलती सुमित की। अरे फाड़ में गए सुबह तोरोस करने आशो, ये सूट देखिए, आपने मेरा लकी सूट जला दिया। लकी सूट? अबे लकी सूट ही तो जला है, लकी बनियान, लकी पेंट, लकी अंडरवियर तो है। अरे मम्मी जी आप जानती है ये सूट मेरे लिए कितना जरूरी है, अरे मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है आज। सोनू माफी मांग रही हूँ ना, हो गई गलती मुझसे। अब क्या करूँ मैं, करूँ क्या मैं अब? तू ना कोई दूसरा सूट पहन ले, और वैसे भी तुझे ना सूट की जरूरत ही नहीं है, तू मेरा होशियार होनहार और अच्छा बेटा है ना? और तो दुनिया की सबसे बेकार, बकवास और बुरी प्रेस वाली है। मेरे इस लकी सूट के बिना मेरा फेल होना पक्का है आज। अरे कुछ भी पहन ले तू, लकी लग रहेगा तेरे साथ। हाँ मेरी जिंदगी देखिए जरा मम्मी जी,
कहीं भी दूर दूर तक आपको लक नजर आता है? लकी सूट? तुझसे कट्टी कट्टी कट्टी। आईसी खुराना, डिप्टी डायरेक्टर सीबीआई। जय हिंद सर। सब इंस्पेक्टर रजनीश वालिया सर। अभी तुम अपने आप से कुछ कह रहे थे? नहीं सर, मैं चुपचाप खड़ा था सर। तुमने अभी कुछ कहा नहीं? कट्टी कट्टी कट्टी। नहीं तो सर। बैठ जाओ सर। शुरू करें? जी सर। तुम सीबीआई में ट्रांसफर क्यों लेना चाहते हो? बस सर, पुलिस की नौकरी बहुत हो गई सर। सर मैं व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स और टेररिस्ट को भी पकड़ना चाहता हूँ सर। सीबीआई की नौकरी बहुत डिफिकल्ट है, आसान नहीं है। तुम्हारी फैमिली है? नो सर, आई एम सिंगल। गुड, हमें ऐसे ऑफिसर्स की जरूरत है। कम इन सर। यस, कम इन। सर आपका फैक्स है। क्या? सर मैं तो बचपन से सीबीआई की नौकरी ज्वाइन करना चाहता था सर। सर इनफैक्ट जब मैं 6 साल का था तो मैंने एक प्लास्टिक की पिस्तौल भी खरीदी थी सर। क्या मजाक है ये? नहीं सर, ये सच है सर। श्री आईसी खुराना, सीबीआई, मैं आपको एक जरूरी विषय में लिख रही हूं। आज मेरा बेटा सब इंस्पेक्टर रजनीश वालिया आपके पास इंटरव्यू के लिए आएगा। मुझे भरोसा है कि आप रजनीश को सीबीआई के काबिल पाएंगे। वो एक मेहनती और ईमानदार ऑफिसर। और शायद मैंने आज अपनी ही भूल से उसकी किस्मत बिगाड़ दी। हुआ ये कि रजनीश का एक लकी सूट था, आज प्रेस करते समय मुझसे वो जल गया। इस बात का रजनीश को बहुत बुरा लगा और वो रोया भी। हर माँ की तरह मैं भी चाहती थी कि मेरा बेटा अच्छा दिखे और आगे बढ़े। मेरी विनती सुनने के लिए शुक्रिया, एक माँ डॉली वालिया। एक बात और, मार दिया। मेरे बेटे से कहना मुझे माफ कर दे, मैंने कोशिश की थी पर आपके कहने से ज्यादा असर होगा। मिस्टर वालिया, अपनी माँ को माफ जरूर कर दीजिएगा। मम्मी जी, मैं टीवी शो के बारे में बताना भूला नहीं, कुश्ती के बारे में डिस्कशन था, मुझे लगा आप नहीं देखना चाहेंगी। हाँ, मैं क्यों देखूंगी, मेरे पास टीवी पे देखने के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं ना। ठीक है, मत देखना। नहीं देखूंगी। वैसे कितने बजे आता है तुम्हारा प्रोग्राम? नहीं नहीं, उस वक्त मैं टीवी बंद करूंगी। क्या हुआ? सोनू, तूने तो मुझे डरा ही दिया। कैसा रहा तेरा इंटरव्यू? पास आइए, बताता हूं। अच्छा नहीं हुआ? सोनू, मोनू, अच्छा खासा चल रहा था मेरा इंटरव्यू कि तभी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ सीबीआई मिस्टर खुराना ने एक चिट्ठी पढ़ी मम्मी जी की तरफ से। क्या? मम्मी जी, आपने चिट्ठी क्यों लिखी? बताइए, ऐसी कौन सी जरूरी बात थी कि आपको जिंदगी में पहली बार फैक्स भेजना पड़ा मम्मी जी? बताइए। मम्मी जी, आप नीचे जाके राजमा बनाइए, और भैया आप शांति से बैठो और 2-3 लंबी सांसें लो। ये आपने क्या किया मम्मी जी? क्यों लिखी वो बेहुदा चिट्ठी? वो डिप्टी डायरेक्टर मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई दूध पीता हुआ बच्चा हूं। मुझे नहीं पता था वो इतना बुरा मान जाएगा। अरे सीबीआई का डायरेक्टर है वो, किसी स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है। हेलो दी एवरीबॉडी,
टीवी बंद करो। क्यों भाई, मजे का मैच चल रहा है। टीवी बंद करो, हम बात कर रहे हैं। अच्छा, वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ। साउथ पोल शिखर धवन इज ऑन 39 नॉट अप। सॉरी पापा जी, पापा जी मामला थोड़ा सा सीरियस हो गया है। सोनू का सीबीआई इंटरव्यू बिगड़ गया। अबे इसका तो सिर्फ इंटरव्यू बिगड़ा है, मेरा तो मूड बिगड़ गया। पता है मोनू, मुझे पापा जी की बेपरवाही मंजूर है, लेकिन मुझसे मम्मी जी का धोखा ना बर्दाश्त नहीं होता है। धोखा? जी हाँ, धोखा। आपने वो चिट्ठी इसलिए भेजी क्योंकि आप नहीं चाहती थी कि मुझे वो नौकरी मिले। ये क्या कह रहा है तू? मैं तो तेरी मदद कर रही थी। मदद? कैसी मदद? गले में फांसी का फंदा डाल के उसकी गिठान चेक करने को मदद नहीं कहते मिसेज टॉली वालिया। सुनो, तू ना इस वक्त बहुत नाराज है, हम बाद में बात करेंगे। हाँ रुको मिसेज टॉली वालिया, ये आपकी पहली गलती होती ना तो मैं आपको माफ कर देता, लेकिन न जाने कितने सालों से लगातार बार बार हर बार आप मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली पड़ी है। भैया बस करो, आप अभी गुस्से में हो। माया तुम तो जानती हो ना मम्मी जी के बारे में, तो बता दो सच। बोलो माया, घबराओ मत, हो जाए बगावत मिसेज डॉली वालिया के खिलाफ। डॉली वालिया, हाय हाय, डॉली वालिया, हाय हाय। ओए क्रांतिकारी के औलाद बच के। अबे सोनू मेरी मान, इस किस्से को तू है ना पॉलिटिकल एंगल मत दे, नहीं तो अभी तो इंटरव्यू बिगड़ा, बाद में ये हिटलर है ना, लाइफ बिगाड़ देगी तेरी। भैया मैं मानती हूँ कि चिट्ठी भेजना गलत था, लेकिन मम्मी जी आपसे बहुत प्यार करती हैं। नहीं नहीं मैं, सच बोलो सच बोलो, तुम्हें नहीं लगता कि मम्मी जी एक भूत है जो तुम्हारी छाती पे बैठा है, जो तुम्हारी सांस को रोक रहा है, तुम्हारा दम घोट रहा है? पर मम्मी जी धोखेबाज नहीं है। सोनू मैं ऐसा क्यों चाहूंगी कि तुझे सीबीआई की नौकरी ना मिले? क्योंकि आप सबको इस घर में दबा कर रखना चाहती है, महारानी है ना, और ये आपका राज दरबार, और ये आपका राजकुमार सुमित, राजगद्दी का वारिस। कौन सी राजगद्दी, ये तो सोफा है। चुप कर। राजकुमार से गुस्ताखी? देखा, ये आपका मूर्ख राजकुमार, ये है आपका मासूम शिकार, और ये है आपका गंजा विदूषक। अबे मोटा कहियो, गंजा मत कहियो, नहीं तो फोड़ डालूंगा। ओके पापा जी, और ये है आपका मोटा विदूषक। ये मैं प्रजा का साधारण आदमी जिसे आप हमेशा दबा कर रखना चाहती हैं मम्मी जी, और भगवान ना करे मैंने थोड़ी सी भी अगर तरक्की कर ली ना तो आपके इस राजपाट में, इस दरबार में पुथल उथल मच जाएगी, है ना? अबे पुथल उथल नहीं, उथल पुथल। हाँ भाई उथल पुथल मच जाएगी ना मम्मी जी। ये सचमुच ऐसे लगता है सोनू? हाँ तो प्लीज मम्मी जी बहुत हो गया, अब आप ना मेरी जिंदगी से दूर हो जाओ। ठीक है अगर तू चाहता है तो। यही चाहता हूं मैं। खुराना जी नमस्ते, सीबीआई को मेरे बेटे की जरूरत है, आप उसे नौकरी दीजिए। आप कौन है? मैं डॉली वालिया, रजनीश की मम्मी। मैंने आपको चिट्ठी लिखी थी ना, उसके लिए मैं माफी मांगने आई हूँ। सॉरी, आप बैठिए ना। असल में वो चिट्ठी मैंने जरा हड़बड़ी में ही लिखी है। बोलिए बोलिए, लकी सूट की मम्मी जी बोलिए। मैं एक माँ हूँ और ये रिश्ता तो सीबीआई भी समझता है ना? देखिए ना, आपने अपने टेबल के अपनी माँ की फोटो रखी है ना सामने। ये मेरी वाइफ है। काफी मैच्योर लगती है। मिसेस वालिया, मुझे लगता है आप नहीं चाहती कि आपके बेटे को ये नौकरी मिले। आपको रजनीश ने बताया? केवल सबूत देख रहा हूँ। कैसा सबूत?
पहले तो आपने उसका लकी सूट जला दिया। वो गलती थी या गहरी साजिश? मैंने जो किया उसके पीछे माँ का प्यार था। इसलिए आपने ये चिट्ठी भेजी जो आपने कहा कि हड़बड़ी में लिखी थी। टाइम नहीं था ना। मिसेस बालिया, मैं एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट हूँ। मुझे हैंडराइटिंग में बहुत कम मार्क मिलते थे। पर आप कहना क्या चाहते हैं? ये चिट्ठी सोच समझ कर लिखी गई है, ठंडे दिमाग से। नहीं नहीं, ये चिट्ठी मैंने हड़बड़ी में लिखी है। इस बारे एक बात बताइए, रजनीश को आपकी चिट्ठी से सख्त नाराजगी थी, फिर भी आप यहाँ चली आई। मैं बस सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। ये हलवा लाई हूँ, ये लीजिए ना। नहीं, ये रिश्वत नहीं है, ये मेरा प्यार है, लीजिए। मिसेस वालिया, आप एक समझदार औरत लगती हैं। सही पहचाना आपने, हलवा खाइए ना, लीजिए। ये बताइए कि आपको लगता है कि जो आप ये कर रही हैं, जिस तरह से अपने बेटे के लिए सिफारिश कर रही हैं, उससे उसे ये नौकरी मिल जाएगी? असली बात क्या है मैडम? बात यह है कि मैं रजनीश के लिए बहुत डरती हूँ। पहले से मुझे ना उसकी पुलिस की नौकरी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो दिल्ली में तो रहता है, रोज मुझे मिलता है। ये CBI की नौकरी पूरे इंडिया में होती है ना, पता नहीं कहाँ चला जाए। और कितने खतरे होते हैं उसमें, उसकी फिक्र में वैसे भी रात रात भर नहीं सोती मैं। बस अब मुझसे नहीं होता, नहीं सहन होता मुझसे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसे नौकरी ना मिले। पर मैंने फिर देखा कि वो ये नौकरी बहुत दिल से करना चाहता है। एक माँ को और क्या चाहिए ना, मैं बस रजनीश को खुश देखना चाहती हूँ, इसलिए आई हूँ यहाँ पे। प्लीज उसे ये नौकरी दे दीजिए। मैं ये नहीं कर सकता। क्यों क्यों नहीं कर सकते? रजनीश काबिल है, लायक है, लेकिन इस नौकरी के लिए उससे भी काबिल ऑफिसर्स हैं। रजनीश से भी ज्यादा काबिल? जी हाँ। अच्छा, मेरी एक बात ध्यान से सुन ले खुराने। मेरे बेटे को ना तुम्हारी इस नौकरी की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो इससे कई गुना ज्यादा काबिल है। हलवा खाएगा। और ये तेरी बीवी है ना, तेरी माँ जैसी लगती है। हेलो सोनू। हेलो मम्मी जी। मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए। सोनू, तेरे लिए ना तेरा मनपसंद हलवा लाई हूँ। रिश्वत नहीं है ये मेरा प्यार है। थैंक्स। ठीक है, बाद में खा लेना। वैसे सोनू, कल तूने मुझसे जो कहा ना, मैंने उसके बारे में बहुत सोचा। तू बैठ ना, मैं बताती हूँ क्या हुआ। बैठ बैठ। हुआ यूं, तेरे जाने के बाद ना मैं बाजार गई थी, तो वहां पे मुझे एक मिठाई की दुकान नजर आई। मैंने वहां जाके ना एक ठंडी रसमलाई खाई, फिर जैसे मुझे एक दिव्य दृष्टि हुई। दिव्य दृष्टि? हाँ, ठंडी रसमलाई खाके। केसर रसमलाई। अच्छा मम्मी जी, कहीं है दिव्य दृष्टि आपको आधे घंटे पहले CBI के ऑफिस में तो नहीं हुई? जब आप मिस्टर खुराना से मिलने गई थी? नहीं, मिठाई की दुकान में। मम्मी जी। हाँ, गई थी मैं CBI के ऑफिस में। लेकिन सोनू देखना, कभी कभी प्यार में आदमी पागलों जैसे हरकतें कर देता है ना। तुझे कैसे पता चला? मुझे खुराना का फोन आया था मम्मी जी। खुराना का बच्चा? मेरी फैमिली में दखल, मैं उसके ऊपर केस ठोक दूंगी। उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। सोनू, वो झूठ बोल रहा है, और उसकी बीवी उसकी माँ जैसे ही लगती है। मम्मी जी, उसने मुझे ये बताया है कि आप मेरी नौकरी के बारे में क्या सोचते हो। सच है सोनू, मुझे तेरी पुलिस की नौकरी बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या कर लेगा तू? कुछ भी नहीं, बस जानकर अच्छा लगा।
थैंक्स। ड्यूटी पे जा रहे हैं? हाँ मम्मी जी। तो फिर अपना ख्याल रखना। चलिए आपको घर छोड़ देता हूँ। वैसे सोनू, मैंने सब कुछ झूठ नहीं बोला था, मैं सचमुच मिठाई की दुकान में गई थी। कोई बात नहीं मम्मी जी, पर मैंने वहाँ खाए गुलाब जामुन, पता नहीं क्यों मैंने रसमलाई बोल दिया। Bum 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 b